रहा है। जैसे आम औसतन कोई किसान है, कृषि का कार्य कर रहा है, उसमें उसको कितना मतलब सालाना आय हो रहा है, या ये फिर खरीफ में कितना आय हो रहा है, रबी में कितना आय हो रहा है, और जो उन्नत कृषक है उसका कैसा कितना ज्यादा उसका आय हो रहा है, वो दोनों हम लोग जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक औसत कृषक का कितना आय हो रहा है और एक उन्नत कृषक का कैसे कितना आय हो रहा है, तो हमको जो देखने को मिलता है, हम लोगों ने कई सारे किसानों को उनके यहाँ खेत में जाके, गांव में जाके, उनके घर जाके हम लोगों ने समझा, तो उससे यही प्रतीत होता है कि किसान जो है केवल एक काम नहीं करता है, जो उन्नत कृषक है, केवल कृषि ही कृषक, यानी कि केवल जोतता है, कोई फसल लगाता है और उससे उपज लेता है, केवल एक काम करने से उसका आय दुगनी नहीं हो रहा है। वो सबसे पहला जो है कृषि का तो मूल काम है वो तो करता ही है, उसके पास अगर 10 बीघा जमीन है तो उसमें से 6-7 बीघा जमीन में पहले कृषि का काम करता है, कोई ना कोई फसल लगाता है, उसके बाद में जो है उसके यहाँ पशु होंगे, उसके यहाँ 10-20 पशु होंगे, जिन पशुओं के माध्यम से वो दूध का काम करता है, फिर उसके पास जो है उद्यान की मतलब एक आध बीघा जमीन में वो उद्यानिकी का काम करता है, कुछ ना कुछ ऐसा उद्यानिकी फसलों का उसमें से लगा देता है जिससे कि उससे भी उसका आय हो, फिर वो उसके पास जो है थोड़ा बहुत और जमीन बचा है तो उसमें खेत तालाब भी बना देता है, उस खेत तालाब में थोड़ा बहुत मछली भी डाल देता है और उससे भी आय लेने का प्रयास करता है। कुछ किसान ऐसे भी है कि कुक्कुट पालन भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत जगह में कुक्कुट पालन का भी काम कर रहे हैं। तो उन्नत कृषक वो है जो बहुत सारे चीजें मिला के कर रहा है, वो वही किसान दुगना आय ले पा रहा है औसत किसान से तुलना।